कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नवामि कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सतपंथ को सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही मधुसूदन को आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। हाथ जोड़ विनती करो, धरो चरण में शी, ज्ञान भक्ति हमें दीजिए, परम पिता जगदी सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख रहत गणे पांच देव मिली रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश विघ्न हरण मंगल करना, गौरी सुत गणराज मैं लियो आशीर्व आपको बाबा, रखियो मारी ना लाल देह लाली लसे, अर्धर लाल लंगो वज्र देव दान दल, जय 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 कपिशु श्यामर रामचंद्र की जय, पवन सुधा हनुमान की जय। प्रथम गुरु को वंदना, फिर मनाऊ गणे शिमरा माता शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश, कंठ करो प्रवेश मां, मेरे कंठ करो प्रवेश, रोम रोम में बस गयो मुरली वाले श्याम, एक पल दिल में चैन नहीं, नींद हो गई बाल कृष्ण भगवान, माखन चोर चित चोर प्रभु, राधा के तुम श्याम, तुझे बार बार प्रणाम, तुझे बार बार प्रणाम। आज कथा के पंचम दिवस में हम सभी इस प्रांगण में आए हैं कथा श्रवण करने के लिए। मैं इस व्यासपीठ से आप सभी को प्रणाम करती हूं, और हमारे अपने जो इस सारथी टीवी के सामने बैठ के कथा का श्रवण पान कर रहे हैं उन सब दीदी और भाइयों को मेरा बार बार प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। कल हम लोगों ने उत्सव मनाया, तो सबसे प्रथम हम लोग प्रभु के नाम के संकीर्तन, कृष्ण नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे,
सरकार की जय। जब आप लोग को हरे कृष्णा हरे रामा करने का जब अवसर मिले तो उस वक्त आप बातें ना करें, उस वक्त कम से कम भगवान का नाम का स्मरण करें। क्योंकि मैं बताऊं, इसका मतलब होता है समर्पण। जिस कार्य के लिए हम आ रहे हैं उनके पास आप अपने आप को समर्पण कर दें। देखते हैं ना, जब कोई गुनाहगार व्यक्ति को पुलिस पकड़ता है तो कहता है हैंड्स अप, हाथ को उठाएं, ऊपर करें। इसका मतलब है कि अभी से तुम हमारे अधीन हो गए हो, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं चलने वाला। तो यहां पे हम लोग आए हैं कथा श्रवण करने के लिए,
तो कोशिश करें अपने साथ कुछ ले जाने के लिए और भगवान के पास अपने आप को समर्पण कर दें ये 3 घंटे के लिए। फिर तो जीवन के अनमोल वक्त आप लोग बिताते ही हैं। क्या बोलना पड़ेगा और जोर से, दोनों हाथ को लंबा लंबा उठाए और जोर से, राधे राधे जब मौका मिले, क्योंकि माताओं को एक बड़ा अच्छा आशीर्वाद मिला हुआ है कि 2 महिलाएं कभी शांत बैठ नहीं सकती, ठीक है ना। तो यहां तो बहुत ज्यादा मात्रा में महिलाएं बैठी संख्या में, तो जब आप आए तो ठाकुर जी को अपने आप को समर्पण कर दे राधा रानी के चरणों में। समर्पण जो व्यक्ति करता है उसकी रक्षा कौन करता है? जिसको आपने समर्पण कर दिया, जिसके ऊपर, जिनके चरणों में। तो यहां कुछ लेने आए हैं ना, सब आए हैं कि नहीं? कुछ लेना है ना। फिर तो हम लोग 3 घंटा जो कथा का श्रवण पान करेंगे वो सिर्फ सिर्फ अमृत का ही पान करेंगे। कल आप लोगों ने देखा हम लोग भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव मनाए, लाला का जन्म हुआ और पूरे 1 महीने तक नारायण जो सूर्य देवता है ना वो भी छुपना भूल गए 1 महीने तक। तो 1 महीने तक कोई सोएगा ही नहीं तो क्या करेगा? बधाइयां गाएगा। अब जितने भी अगल बगल के दूर दूर से महिलाओं को पता चला कि नंद के घर में खजाने लुटाए जा रहे हैं, नंद बाबा ने अपना खजानों का मुख खोल दिया है और कितनी कितनी गौ माताओं का दान किया है, ग्वाल बाल गोपियां माताएं बहनें बच्चे संत महात्मा सब वहां आ रहे हैं लाला का दर्शन करने के लिए। और कुछ जो बधाइयां कल ले रही थी, कुछ यशोदा माँ दे रही थी, तो चलिए एक बधाई से ही हम आगे इस कथा में प्रवेश करेंगे। कोई कहता अरे यशोदा इसका जो नाक है ना ये तुम्हारे ऊपर चला गया है। कोई कहता नहीं नहीं अरे गोपी तो झूठ बोलती है, लाला की आंखें तो नंद बाबा की तरह बड़ी बड़ी है, देखो तो सही, लाला को देखने हम लोग आए हैं लेकिन छोरा तो इतना छोटा में ही पहले हम ही को ताक रहे हो, तो इसे क्या देखें, ये तो हम ही लोग को देख रहा है। कोई कहता मुंह उसकी उनकी तरह है, कोई कहता कि रोहिणी बुआ की तरह है। आज घर में रोहिणी जी को जो बलराम हुए हैं, कोई बलराम जी को देख रहे हैं, कोई कृष्ण जी को देख रहे हैं और सब तुलना कर रहे हैं कि ये बच्चा किसके ऊपर गया है। हमारे सांवले सलोने कन्हैया साक्षात परब्रह्म पैदा लिए हैं, उनका प्राकट हुआ है, उनका भला किसी से तुलना हो सकता है क्या? लेकिन आपस में सहेलियां क्या बोलती हैं, आइए एक गीत रूपी पुष्पों की हार कन्हैया को अर्पित करते हैं। और जितने भी हमारी कथा सुनने वाली बहनें आई हैं मीठी मीठी ताली बजाकर इस बधाई को साथ में गाएंगी, क्योंकि ये बधाई ऐसी है जो सबको आप लोग जानते हैं और ताली बजनी चाहिए। जुग जुग जिए सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो, हुललना लाल होई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो, हुललना लाल होई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जिए सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो, हुललना लाल होई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो, हुललना लाल हो।
ताली। सगरो अंजोर भैले ना हो ललना मुहावरा चंदवा सुजवा से सगरो अंजोर भैले ना किया का हुए जैसे बाबूजी के किया का माई के नाचते हुए नाचते हुए सौदा के होरला चना मले हो रिलवा बड़ा सुंदर हो जुग जुग जिए सुहागिन बने भागिन बने धन लूटावेली हो सासु सुहागिन बड़ा भागिन बने धन लूटावेली हो ललना जसोदा के होइले नलना वाला बड़े सुंदर हो ललना जसोदा के होइले नलना आंगनवा उठे सो बिहारी लाल की जय बोल सच्ची दरबार की जय।